नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेव न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। वसई विरार में बीते महीने सामने आए बोगस सीसीओसी मामले के आरोपी प्रशांत पाटिल की पत्नी व वकील ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रशासन पर लगाए संगीन आरोप। बीते महीने में वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में बनावटी सरकारी दस्तावेज जिसमें मनपा कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय, सिडको कार्यालय, रजिस्ट्रार कार्यालय और रेरा ऐसे विभिन्न सरकारी कार्यालयों को लेटर हेड व रबर स्टैम्प का इस्तेमाल कर तैयार की गई बोगस सीसी और ओसी के आधार पर बनी अवैध इमारतों की धोखाधड़ी का मामला विरार पुलिस ने उजागर किया था, जिसके बाद उस मामले में वसई विरार मनपा के विभिन्न प्रभाग समिति क्षेत्र के नजदीकी पुलिस स्टेशन में एक के बाद एक कई एफआईआर अलग अलग बिल्डरों पर दर्ज की गई थी। इन्हीं में से एक आरोपी प्रशांत पाटिल, जिस पर कुल 12 एफआईआर दर्ज है, उस प्रशांत पाटिल की पत्नी व कोर्ट में प्रशांत पाटिल का केस लड़ रहे वकील ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मामले में प्रशांत पाटिल के बेगुनाह होने का दावा करते हुए जबरदस्ती फंसाने का आरोप प्रशासन पर लगाया। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत पाटिल की पत्नी व उनके एडवोकेट ने मामले के जांच अधिकारी पर भी कई संगीन आरोप लगाए। वैसे उपरोक्त मामला न्यायालय में विचाराधीन है और किसी भी ऐसे मामले पर जो कि न्यायालय में विचाराधीन हो अधिक टिप्पणी करना उचित नहीं है। एक पक्ष जो कि अपने आप को प्रताड़ित बता रहा है उसकी बात को सभी के सामने रखना, क्योंकि जब तक किसी आरोपी को सजा न हो जाए वह आरोपी अपराधी नहीं होता है, ऐसा हमारा संविधान कहता है। आरोपी की पत्नी और उनके एडवोकेट जो भी आरोप लगा रहे हैं, हम उनके लगाए आरोपों का समर्थन नहीं करते हैं। फिर भी जब आरोप लग रहे हैं तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी पक्ष दोषी है उन पर समुचित कार्यवाही होनी चाहिए। वीडियो लंबा जरूर है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो को बनाने का भी उद्देश्य यही एकमात्र उद्देश्य है। वीडियो में आगे देखिए प्रशांत पाटिल की पत्नी व उनके एडवोकेट द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे गए उनके बयान। अभी के लिए इतना ही। खबर के बारे में कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकिता प्रशांत पाटिल। क्या विषय है, आप क्या कहना चाहेंगे? जो अभी विरार में पिछले 1.5 महीने से चल रहा है विरार वसई फेक ओसीसीसी मैटर, 3000 करोड़ का हाउसिंग स्कैम दिखा रहे हैं और मुख्य आरोपी में प्रशांत मधुकर पाटिल ऐसे दिखाया जाता है। ही इज द हेड ऑफ द गैंग, ऐसे उनको बोला जाता है। मैं उनकी वाइफ हूँ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, मतलब एक्चुअली रिक्वेस्ट है मीडिया से कि क्या जो सच्चाई है वो आप सामने लाइए। एक ऑफिसर है सुरेंद्र, एएसआई सुरेंद्र शिवदे, वो क्या करते हैं मीडिया को बुलाते हैं, कुछ दिखाते हैं कि इतना हमने रिकवरी किया, ये किया, वो किया, और सब मेरे हस्बैंड उनके नाम से दिखा रहे कि उनके तरफ से रिकवरी हुआ वगैरह। ऐसे मामला शुरू कहां से हुआ, मामले की जड़ क्या थी? ये मामला शुरू हुआ है February 2023। FIR हुआ था, एक FIR नंबर 152, जो इनिशियली नाम FIR पे दिलीप बिनबंशी करके एक नाम है एक बंदे का, उसके नाम से FIR स्टार्ट हुआ। तभी वो भी अरेस्टेड नहीं था, वो कुछ अभी 23-24 जुलाई को अरेस्ट हुआ। तभी हम मेरे हस्बैंड से डिमांड हुआ कि अगर पैसा देते हो तो तुझे क्लीन चिट दे दूंगा, तेरा नाम FIR में नहीं आएगा। क्या मैटर था वो मुझे, मतलब मुझे और मेरे हस्बैंड को मालूम ही नहीं। अभी पुलिस का मैटर है तो कॉमन मैन डर ही जाता। हम लोग ने सोचा कुछ रहेगा, फंसा देंगे करके हम जो मांगा पैसा हम लोग ने उनको दे दिया। पैसा पूरा नहीं पहुंच पाया तो वो थोड़ा वैसा उनको पूरा नहीं पहुंच पाया तो वो फिर जुलाई 28 को, 28 जुलाई 2023, अचानक से आए और मेरे हस्बैंड को अरेस्ट करके लेके गए। और फिर ये माहौल चालू हो गया, इतना पैसा दो, दो दिन में तुमको बेल दिला दूंगा, आज इतना दो, कल उतना दो, कंटिन्यूसली चालू था। फोन आ रहे, पुलिस वाले मेरे बिल्डिंग के नीचे आ रहे, मुझे डरा रहे। ये जो मिरर मिड डे पेपर में कल जिनको हीरो बताया गया, साप्ते हवलदार, ही इज अ हवलदार, वो मेरे घर के नीचे आता है। शिवदेव साहेबांनी पैसे मागितले, पैसे दिले नाही तर तुझ्या तुझ्या नवऱ्याला आम्ही खूप मारणार आणि केसमध्ये लटकवणार, असंच जर चालू राहिलं, पैसे देतच नाही आहे तर तुला पण आम्ही खोट्या FIR मध्ये अडकवू शकतो, ऐसा बोल के वो मेरे बिल्डिंग के नीचे आके मुझे डराता है। एंड कल ये मिड डे में दिवाकर शर्मा, ये भी एक रिपोर्टर ही है, ये पिछले 1 महीने मेरे मुझसे मिलने आए थे, मुझे कांटेक्ट किया, बार बार फोर्स कर रहे थे कि मुझे तुम अपना स्टेटमेंट दे दो, मुझे प्रूफ दे दो, मैं चलाऊंगा, मैं तुम्हारा न्यूज रन करूंगा। लेकिन उसने ऐसे कुछ किया नहीं, मुझसे प्रूफ वगैरह सब ले जाके उसने सुरेंद्र शिवदे के हाथ में थंबा दिए और मेरा न्यूज नहीं रन करके कल के पेपर में उनको वो हीरो बता रहा है।
दोनों को भी, जबकि ये दोनों भी मैं विक्टिम हूँ और ये अक्यूज है, ये आज बाहर घूम रहे हैं। अभी ऐसा सुनने में आया कि सुरेंद्र सिंहदेव को लाइन हाजिर किया गया है कमिश्नर ऑफिस में, हाँ, इसमें क्या आपकी कुछ भूमिका है? मैंने एक्चुअली जो एलिगेशन किए थे ये लोग पे दोनों भी जितने भी नाम है, तो उनके अगेंस्ट एक कमिटी बिठाई गई थी जो विरार के ACP रामचंद्र देशमुख है वो असिस्ट कर रही है इन्वेस्टिगेशन को, तो उनके अंडर उनके यहाँ पे सबके स्टेटमेंट्स हुए, मेरे स्टेटमेंट्स हुए, मेरे एलिगेशन लेटर्स है, मेरे जो भी प्रूफ है डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो इनके खिलाफ है वो सब वहाँ पे जमा है, उस अगेंस्ट एक्शन लेके इनको वहाँ पे ट्रांसफर किया गया है। किस तरीके से आपसे पैसे मांगते थे? फोन पे मांगे हैं, सामने सामने मांगा है बहुत बार, और ये जो साप्ते है वो तो मेरे बिल्डिंग के नीचे तक आ गया था, और उन्होंने एक पर्सनल ऐसे रखा है किसी को आउट ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट कि वो बंदा बार बार फोन करेगा और बोलेगा साप्ते साहब ने ऐसे बोला है, शिवदे साहब पैसा मांग रहे हैं, जल्दी इधर आओ पैसा लेके, वो जा रहे हैं, मतलब है रिकॉर्डिंग्स में वो सब आपको मिल जाएगा। मैडम आपने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, आप अभी तक मीडिया को एक पुरावा भी इनके खिलाफ नहीं दे पाई, क्या बोल रहा हूँ? नहीं, अगर ऐसी ही बात है तो मैं दे दूंगी, सिर्फ मुझे मेरे लीगल एडवाइजर से थोड़ा कंसल्ट करना पड़ेगा कि क्या, क्योंकि मेरा केस अभी चल रहा है, केस खत्म नहीं हुआ है, तो कैसे आउट ऑफ कोर्ट जाके भी मैं ऐसे ये सब नहीं देख सकती, लीगली भी मुझे देखना पड़ता है कैसे क्या ट्रीट करना है। कॉल रिकॉर्डिंग तो है आज की तारीख में, अगर कॉल रिकॉर्डिंग आपके पास है तो आप मीडिया को दे सकते हो? हाँ, मैं दूंगी सर। ये मामला जब इतना बड़ा 3000 करोड़ का बताया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है आपके पास करोड़ों की संपत्ति होगी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अगर ऐसा है तो जो ये बोल रहे कि 3000 करोड़ के मालिक है प्रशांत पाटिल, तो उनके पास भी कुछ प्रूफ होगा ना 3000 करोड़ है करके, तो वो आप प्रूफ करके दिखाइए कहाँ पे है 3000 करोड़। मेरे पास एक घर है विरार में ही रहते हैं हम लोग, वो भी लोन पे चल रहा है, जिसका EMI नहीं भर पा रहे वो आपको बैंक स्टेटमेंट से मालूम हो जाएगा। एक 2-व्हीलर है, एक 4-व्हीलर है, 4 महीने की छोटी प्री मैच्योर बच्ची है हमारी और 7 साल का एक लड़का है, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। अगर मिलता है तो मुझे लाके दिखाइए, मैं भी देख लूँ एक बार 3000 करोड़ क्या होता है। आपने जो आरोप लगाया कि आपने पुलिस वालों को पैसा दिया, तो वो पैसा कहाँ से आया? मैंने मेरी जो ज्वेलरी थी वो सब रखा, मुथूत गोल्ड फाइनेंस करके एक है वहाँ पे रखा, और गोल्ड पैसा वो उठा के मैंने उनको दिया। कितना पैसा अभी तक आप दे चुकी हैं और कितने पैसों की डिमांड की गई थी? पहले फरवरी में 3 लाख की डिमांड थी, उसके बाद तभी हम लोग ने 2 लाख दिया, 1 लाख बैलेंस था क्योंकि मेरी डिलीवरी हो गई, बहुत प्री मैच्योर होने की वजह से बहुत खर्चा हो गया, 3 लाख का खर्चा वहाँ पे हो गया हम लोग का, तो हम लोग नहीं दे पाए 1 लाख। और अचानक से जुलाई में एक दिन आते हैं, बोलते हैं अरेस्ट हो गए करके, उनको घर से ले जाके ऐसे, मेरे हस्बैंड चेयरमैन है हमारी सोसाइटी के, तो उनको पुलिस एक वीजा कार है, पुलिस वैन भी नहीं आती हमारे यहाँ पे, एक एडवोकेट है एडवोकेट कुसुम पांडे, उनके नाम पे रजिस्टर्ड एक वीजा कार है जो सुरेंद्र शिवदे यूज करते हैं मेरे हस्बैंड को कोर्ट ले जाने के लिए, मेडिकल ले जाने के लिए, सब मेरे पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स है, प्रूफ मैं आपको दे सकती हूँ, जब भी आप डिमांड करेंगे मैं आपको दे दूँगी, ऑलरेडी ये प्रूफ जमा है, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वहाँ पे ये सारे प्रूफ जमा है, कोर्ट में भी है, ACP ऑफिस में भी जमा है। एक आखिरी सवाल है कि आपकी मांग क्या है, और दूसरा एक, क्या आपको नहीं लगता कि आपके पति अभी इस समय कानूनी दाव पेच में फंसे, तो क्या आप इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको बचाने की कोशिश करें? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, उन्होंने कुछ किया नहीं है, इसके लिए मैं भी मीडिया के सामने आ सकती हूँ, अगर किया है तो मुझे कैसे एक डर रहता या फिर कुछ कवर अप करना पड़ता था। मैं जो हूँ मैं खुद नार्कोटेक्स की डिमांड करूँ, नार्कोटेक्स करो, मेरी प्रॉपर्टी जांच करो, जो करना है करो, आई एम रेडी, मैं फुल सपोर्ट करूँ। मैडम कहीं ना कहीं 12 FIR उनके ऊपर हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है आपके पति निर्दोष है? जी, वो निर्दोष ही है, अगर उन्होंने कुछ क्राइम किया है ना उसकी सजा दो, ये मैं खुद ये मीडिया के सामने बोलती हूँ, लेकिन अगर नहीं है ये जो दिखा रहे 3000 करोड़ का हाउसिंग कॉनमैन वगैरह, वो अगर सच नहीं है तो क्या वो पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ ऐसे सेम कार्रवाई की जाएगी? वो भी सेम जो मेरे पति आज जेल में है वो भी सेम वो पुलिस वाले को ट्रीटमेंट मिलेगा क्या? रजिस्टर होता है किसी एक अक्यूज के अगेंस्ट, बाद में उस FIR में मेरे क्लाइंट प्रशांत मधुकर पाटिल को उसका जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है ESI सुरेंद्र सिंहदेव को बुलाता है, बुलाने के बाद जैसा कि उनका एलिगेशन है कि 3 लाख रुपए का डिमांड करता है, 3 लाख रुपए डिमांड करने पर 2 लाख रुपए प्रशांत पाटिल उसको पे भी कर देता है, पे करने के बाद भी
उसको अरेस्ट किया जाता है जुलाई के महीने में, यानी कि आफ्टर सिक्स मंथ, छः महीने तक उन्होंने क्या किया केस में पता नहीं, जुलाई में अरेस्ट करता है। अरेस्ट करने के बाद कंटिन्यूअसली जो आरोपी है, दूसरे भी आरोपी है, उनके परिवार वालों से पैसे की डिमांड की जाती है इन पुलिस अधिकारियों के द्वारा, और उसमें से दो कंप्लेन पहुंच जाता है डीसीपी के पास। पहले तो जो आरोपी दिलीप अटकले है, उसकी वाइफ अस्मिता अटकले कंप्लेन देती है डीसीपी को कि सुरेंद्र सिमते हमसे पैसे की डिमांड कर रहा है। उसके बाद फिर आरोपी प्रशांत पाटिल जो हमारे क्लाइंट है, उनकी मैसेज कंप्लेन देती है डीसीपी को और सीपी साहब को, कमिश्नर ऑफ पुलिस को, कि सिमते ने हमसे पैसे की डिमांड किया है और हमको मजबूरन पैसा देना ही पड़ा है, इस काइंड ऑफ एक्सटॉर्शन, पैसा दिया हमने। उसके बाद जब ये मैटर दिखता है, कंप्लेन हो गया पुलिस ऑफिसर्स, तो ये हीरो बनने के लिए क्या करते हैं कि ये पहली बार नहीं है कि एमआरटीपी का कोई एफआईआर रजिस्टर हुआ है विरार पुलिस स्टेशन में, फोर जो सीसी वाला मैटर सामने आया है, पहले भी दूसरे एफआईआर का नाम 506/2023 और भी बहुत सारे दूसरे एफआईआर विरार पुलिस स्टेशन में एमआरटीपी के तहत दर्ज हुए, और उसमें बहुत सारे बिल्डिंग्स ऐसे थे जिसमें फोर ओसीसीसी का यूज हुआ, लेकिन उस दौरान पुलिस वालों ने, मेरा ऐसा मानना है कि क्या किया, फोर ओसीसीसी वाले चीजों को दबाया। अब क्यों दबाया, ये भ्रष्टाचार करने की वजह से दबाया, दबा के सिर्फ सिंपल एमआरटीपी करके आरोपी को कोर्ट में प्रोड्यूस किया, उनको एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए दूसरे आरोपी को मदद किया। लेकिन जब इस मैटर में जब देखा सुरेंद्र सिंह ने और दूसरे अधिकारियों ने कि हमारा पोल खुल रहा है कि हमने रिश्वत लेते हैं हम लोग, फिर उन्होंने क्या किया, मार्केट में एक हीरो बनने का ड्रामा किया। उन्होंने जितने भी मीडिया के लोग हैं सबको उन्होंने SMS डाल के बुलाया, और बुला के उन्होंने मीडिया के सामने ये पेश किया कि हमने बहुत बड़ा स्कैम को बाहर निकाला है, 55 अलग अलग इलीगल बिल्डिंग के फोर्ज OCCC को हमने रिकवर किया है। और बाद में प्रशांत पाटिल की वाइफ की आवाज को दबाने के लिए, उनके एलिगेशन को दबाने के लिए उन्होंने क्या किया, मीडिया में जोर शोर से चलवाया, उनका एक मिड डे न्यूज पेपर है जिसमें एक दिवाकर शर्मा करके एक रिपोर्टर है, उनको खास करके उन्होंने इन चीजों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया। मेरे क्लाइंट को 3,000 करोड़ के मालिक बताया गया, उसको कौन मैन बोला गया और पता नहीं क्या क्या इन मैटर को बढ़ाया, और इन्होंने फुल बैटिंग किया कि सुरेंद्र सिमते के ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। अब हम लोग आते हैं सुरेंद्र सिमते के ऊपर। सुरेंद्र सिमते एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, वो एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर भी नहीं है। अगर पुलिस ऑफिसर के हम डेफिनेशंस में जाए तो ये डेजिग्नेटेड एक ऑफिसर होता है, जो ऑफिसर कहा जाता है वो भी नहीं है। बहुत सारे मैटर्स मैंने जो RTI के थ्रू जो विरार पुलिस स्टेशन में खुद RTI के आंसर्स में दिए हैं, बहुत सारे मैटर्स जो MRTP के है, इवन MPID के मैटर्स, हमको तो एक PP जो यानी कि गवर्नमेंट लॉयर है उन्होंने भी हमको पर्सनली बताया है कि उन्होंने भी कंप्लेन किया था यहाँ के सीनियर PI को कि भाई MPID जैसे मैटर्स आप इस ASI सुरेंद्र सिमते को क्यों दे रहे। फिर भी बहुत सारे MPID के मैटर्स इसको दिए गए। मुझे ऐसा लगता है कि सुरेंद्र सिमते के पास लोगों को डरा के कैसे वसूली करना है उनको पता है, इसलिए सारे मैटर्स इसको दिए जाते थे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 2022 में एक दूसरा आरोपी है कोई नितिन उबाले करके, जो कांग्रेस का शायद लोकल लीडर भी है, उन्होंने भी ऐसे ही पत्र CP साहब को लिखा था, उनके साथ भी इसी तरह से मार पिटाई की गई थी, उनको बाद में उसने पैसा नहीं दिया तो उसके ऊपर MPID का धारा भी इस पुलिस वाले ने लगाया था, इस सुरेंद्र सिमते ने लगाया था। और उसके कंप्लेन पे जब वहां से CP साहब ने पूछा वहां के लोकल DCP को कि भाई सुरेंद्र सिमते इस तरह का काम करता है, तो DCP का शायद ऐसा आंसर था कि सुरेंद्र सिमते एक नॉन करप्ट ऑफिसर है, जबकि ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि सुरेंद्र सिमते के ऊपर ऑन ड्यूटी 2 FIR है। एक FIR बोईसर पुलिस स्टेशन में जो इसके ऊपर एक्सटॉर्शन का FIR है, खंडनी का FIR है, किसी गुटखा के प्रकरण में किसी गुटखे वाले से इन्होंने एक्सटॉर्शन की कोशिश की थी और उसमें FIR हुआ था। दूसरा एक FIR है जो तुलिंज पुलिस स्टेशन में व्हेन ही वाज ऑन ड्यूटी उन्होंने एक किसी पर्सन को उठा के ला के पुलिस कस्टडी में इतनी पिटाई की थी कि बाद में सुरेंद्र सिमते के ऊपर एक्शन लेने के लिए उस फैमिली वाले को महीनों
अनशन करना पड़ा था रोड पर बैठ के, तब जाके मोर्चा निकालना पड़ा था, तब जाके इसकी ये पहुंच है सिद्धे की। भले ही वो एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है लेकिन उसकी जड़ें बहुत मजबूत है। क्या बात है कि पिछले आज 15 साल या उससे भी शायद ज्यादा ये विरार, वसई, बोईसर इतने ही आसपास के एरिया में उसकी पोस्टिंग होती है। सारे इसके जान पहचान वाले बिल्डर है यहां। तो देखो कोई FIR में किसी की भी नाम हो सकती है, हमारी भी नाम हो सकती है, किसी की भी नाम हो सकती है। FIR में नाम हो जाने से कोई भी आदमी कन्विक्ट नहीं हो जाता है, दोषी नहीं हो जाता है। और हमारा संविधान, हमारे देश का कानून बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा कानून है। हमारा कानून कहता है कि अगर कोई आदमी किसी FIR में अरेस्ट भी होता है तो भी उसके कुछ अधिकार है। पहला अधिकार कि उस आरोपी के परिवार वाले, उनके फ्रेंड, उनके वकील, उनको इन्फॉर्म किया जाए कि आपका सो एंड सो पर्सन, आपके रिलेटिव को हमने अरेस्ट किया है। दूसरी चीज, उस आरोपी के पास यह अधिकार है कि वो अपने पसंद का लॉयर उनके डिफेंस के लिए कोर्ट में खड़ा करे। लेकिन सुरेंद्र सिंधे के ऊपर लगातार बहुत सारे ऐसे कंप्लेन हुए, कंप्लेन की कॉपी हमारे टेबल पर है, मीडिया पर भी। दोस्त मैं अगर आपको चाहिए तो मैं देता हूं कि एक स्पेसिफिक एडवोकेट का नाम लेता है सुरेंद्र सिंधे की, इसके पास ही जाओ तो ही तुमको बेल मिलेगा, तो ही हम तुमको प्रेफरेंसेस देंगे। यानी ये तो अपना हिस्सा पुलिस वाले सिद्धे ले ही लेता है लोगों से, आरोपियों से। लेकिन बाद में ये बात बाहर ना आ जाए, कोर्ट में कल जाके अगर कोई दूसरा वकील होगा तो अपने आरोपी से नेचुरली पूछता है कि क्या आपके साथ मार पिटाई हुई है क्या कस्टडी में, कोई इल ट्रीटमेंट पुलिस वाले ने किया है क्या, क्या आपने खाना खाया है क्या, कोई शिकायत तो नहीं है पुलिस के खिलाफ। ये ड्यूटी है हम एज एडवोकेट जब हम किसी रिमांड को अटेंड करने जाते हैं किसी क्लाइंट के लिए, तो हम लोग पूछते हैं, और ऐसी कोई चीज हमें दिखती है तो हम एप्लीकेशन करके ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखते हैं। तो जस्ट बिकॉज कि वो एडवोकेट भी पुलिस के द्वारा ही दिया गया है, तो कहां से उस पुलिस वाले का, उस वकील की ये हिम्मत होगी पुलिस के खिलाफ कुछ कोर्ट के सामने वो पेश करेगी, सच्चाई में कुछ हो भी तो भी। तो ये सारी चीजें इसमें आई है कोर्ट के सामने। प्रशांत पाटिल की मिसेज ने एफिडेविट फाइल किया है। एफिडेविट फाइल करना बहुत संगीन चीजें होती है, बहुत सीरियस चीजें होती है। एफिडेविट में साफ साफ इन्होंने कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग का जिक्र किया है, गोल्ड लोन का रिसिप्ट साथ में लगाया है, और कोर्ट में इन्होंने फाइल किया है कि किस तरह से इनके साथ सुरेंद्र सिद्धे ने एक्सटॉर्शन किया है, पैसे लिया है, फिर भी ये लेडी पूरा पैसा नहीं दे पाई क्योंकि इसका हस्बैंड कस्टडी में है, कहां से पैसा अरेंज कर पाई एक लेडी बेचारी, अपनी सारी ज्वेलरी को गिरवी मार के मुदुत फाइनेंस में पैसा दी। और उसके बाद जब ये कंप्लेन आगे चला और यहाँ के ACP साहब के पास इसका इंक्वायरी बिठाया गया, ऊपर से शायद CP साहब या हो सकता है DCP साहब ने इंक्वायरी बिठाया सिद्धे के अगेंस्ट, तो इस लेडी का आवाज दबाने के लिए इस लेडी को नोटिस भेजा गया। इस लेडी के हस्बैंड का नाम 11 अलग अलग FIR जिसमें इसके हस्बैंड का यानी प्रशांत पाटिल का कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, उसमें उसका नाम डाला गया। मैं कोई लेना देना नहीं है, अगर मैं बोलता हूं एज ए लॉयर तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोलता हूं, क्योंकि 3 मैटर 152 को अगर मैं छोड़ दूं तो 11 FIR में से 3 FIR में पुलिस वाले ने हमारे क्लाइंट प्रशांत पाटिल का कस्टडी मांगकर, और हमने भी कोर्ट को ओपनली कोर्ट को हमने आग्रह किया कि सर अगर पुलिस वाले को कस्टडी चाहिए हमारे क्लाइंट की तो 2-4 दिन बढ़ा के आप दे दो ताकि अगर उसके खिलाफ कुछ होगा तो बाहर आना चाहिए। 3 FIR में ताला लिया पुलिस वाले ने और उसके अगेंस्ट कुछ भी मिला नहीं, रिमांड रिपोर्ट कोर्ट में जाकर हुआ, कोर्ट ने रिमांड को एक्सटेंड किया नहीं, किसी FIR में 1 दिन की रिमांड मिली तो किसी में 2 दिन की। बाद में हमारे क्लाइंट ने हमको शिकायत किया कि सर हमारा इस केसेस में कुछ लेना देना नहीं है और बेवजह मेरा तावा ये लोग घुमा रहे हैं और मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। ये एक हम लोग ह्यूमन राइट कमीशन को अभी तक लेटर नहीं लिखा था, अब लोग हम लोग ह्यूमन राइट कमीशन को भी लेटर लिखने वाले हैं। ये मानवाधिकार का हनन है कि जिस केसेस में उसका कोई रोल नहीं है उस FIR में आप उसका नाम दे रहे हो। अच्छा 11 FIR में उसका नाम क्यों आ गया, कैसे आ गया, इसकी भी कहानी बड़ी रोचक है। आप जरा समझिए कि एक पुलिस ऑफिसर जो एक केस का तपास कर रहा है वो नगर पालिका को लेटर लिखता है, वो नगर पालिका को लेटर लिखता है कि भाई तुम FIR दर्ज करवाओ और इसमें प्रशांत पाटिल का भी नाम डालो। इस तरह का लेटर जो है विरार पुलिस स्टेशन ने नगर पालिका को लिखा है। और आपको बता दूं कि MRTP का FIR कोई आम आदमी, हम या आप या कोई आम आदमी रजिस्टर नहीं करा सकता है। MRTP का FIR रजिस्टर कराने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ लोकल बॉडी का, यानी कि जो अथॉरिटी होती है उसके पास होता है। तो आप BMC अपने दिमाग से या कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारा देख के, हमारे क्लाइंट का देख के FIR लिखवाने नहीं आया था, आपने
नगर पालिका को इनवाइट करके लेटर भेज के इनवाइट करके हमारे क्लाइंट के ऊपर अपने एफआईआर करवाए। ठीक है, आपने इनवाइट किया, तो क्या आपने जब तपास किया दूसरे पुलिस स्टेशन ने, वाली ने, मानिकपुर ने, विरार पुलिस स्टेशन ने, क्या कुछ एविडेंसेस हमारे खिलाफ मिले? नहीं मिले। तो हमने फिर माननीय उच्च न्यायालय में एंटीसिपेटरी बेल फाइल किया, रीजन की भाई हम लोग आरोपी का साइन और एफिडेविट नहीं ले सकते। माननीय उच्च न्यायालय ने माननीय सेशन कोर्ट वसई को ये रिक्वेस्ट किया है कि उनका बेल एप्लीकेशन जल्दी सुने, और उसमें वो एक कोर्ट की बातें हो गई। आज मैं मीडिया के सामने क्यों हूं, कारण है ये एक न्यूज मिड डे का आप जरा हेडिंग देखिए, ये बहुत मुंबई में चलने वाला बहुत न्यूज है। जब मैं स्टडी लाइफ में था, कॉलेज लाइफ में था, तो मैं ये न्यूज पेपर मिड डे, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता था। ये सोचता था कि इनके जो न्यूजेस होते हैं ये काफी क्रेडिबल होते हैं, लेकिन अब मेरे को ये न्यूज पढ़ के भरोसा उठ गया है कि न्यूज में जो लिखे जाते हैं वो बात 100% झूठ हो सकते हैं। क्योंकि देखिए क्या लिखा है, हाउस ऑफ कार्ड्स हीरोज गेट पनिशमेंट पोस्टिंग। मतलब सुरेंद्र सिंह थे और ये साप्ते कांस्टेबल जो ये अंकिता पाटिल से रिश्वत लेने के लिए उसे घर तक पीछा करता है, परेशान करता है, कि न जाने कितने कॉल्स करता है इसको, और सुरेंद्र सिंह जिसके ऊपर दो दो एफआईआर है, एक एक्सटॉर्शन का, एक किडनैपिंग का, जिसके ऊपर कितने एलिगेशंस वाले लेटर्स गए हुए हैं सीनियर ऑफिसर्स, मुख्यमंत्री और बड़े ऑफिसर्स को, जिसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया आज तक, उसको ये मिड डे न्यूज पेपर हीरो बता रहा है। ठीक है, आपने इनको हीरो बताया, तो क्या आपका ये ड्यूटी नहीं था कि आप दूसरे पक्ष का न्यूज आप डालते थे कि उस तीन रिमांड में कुछ मिला क्या? इनका आप इंटरव्यू लेना चाहिए पुलिस वाले को कि आपने प्रशांत पाटिल का नाम 11 एफआईआर में डाल दिया, तो क्या बाकी के एफआईआर में कुछ उसका रोल निष्पन्न हो रहा है क्या? तो ये चीजें इसमें इन्होंने क्यों नहीं डाली? तो कोर्ट में एक तरफ चीजें कुछ और जा रही है, माननीय अदालत में जो इन लोगों का रिपोर्ट जा रहा है वो एक अलग जा रहा है, और मीडिया के सामने ये चीजें जो है ये अलग डाल के ये अननेसेसरली हमारे क्लाइंट के वाइफ को परेशान कर रहा है और हमारे क्लाइंट को परेशान कर रहा है। अरे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।